स्टैटिक्स फोर्सेस इन थ्री डायमेंशंस वीडियो नंबर 18 सभी का स्वागत। रिजल्टेंट रेंज का ये पहला है वीडियो और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं टू फाइंड द रिजल्टेंट रेंज ऑफ टू रेंचेस R1K1 एंड R2K2। ये पढ़ते चलिए, फिगर देखते चलिए। लेट AC बी द एक्सिस ऑफ वन रेंच R1K1 AC एंड BD be the axis of other wrench R2K2. Let alpha be the angle between AC and BD. अब ये AC है, ये BD है, दोनों के बीच में एंगल हम कहाँ दिखाए, BD के पैरेलल एक लाइन खींच दिए और दोनों के बीच का एंगल अल्फा दिखा दिए। ध्यान रहे AC और BD स्क्यू लाइंस हैं। If AC makes an angle theta with Z-axis, then BD will make an angle alpha minus theta with Z-axis. Let OZ be the axis of the resultant range. Let OZ be the axis of resultant range RK such that this distance OA equal to X, this distance OB is A minus X, where A is the distance between skew lines AC and BD. यहाँ तक बात समझ में आई? अब थोड़ा सा बातचीत इधर कर लें। ये जो x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस हमने लिया जब हम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो राइट हैंडेड सिस्टम कंसीडर करते हैं। यहाँ पर हमने सुविधा के लिए लेफ्ट हैंडेड सिस्टम कंसीडर किया है। लेफ्ट हैंडेड सिस्टम माने बाएं हाथ से स्क्रू लीजिए, x से y की ओर घुमाइए, x से y की ओर ऐसे घुमाएंगे ना, ऐसे। तो अब महसूस करो बाएं हाथ से स्क्रू ड्राइवर है, ऐसे ऐसे करोगे तो कसेगा, नीचे जाएगा, और जब ऐसे ऐसे करोगे तो खुलेगा। तो किधर खुलेगा? ऊपर की ओर ना, तो ऊपर की ओर जेड एक्सिस है। ये लेफ्ट हैंडेड सिस्टम है। राइट हैंडेड सिस्टम में एक्स से वाई की ओर घुमाओगे ऐसे तो कसेगा, कसेगा मतलब जेड एक्सिस नीचे जाएगा। तो जेड एक्सिस ऊपर रहे इसके लिए हमने लेफ्ट हैंडेड सिस्टम कंसीडर किया है। पहले तो दूरी बताया हमने, यहाँ से यहाँ तक एक्स है तो कोऑर्डिनेट लिखोगे तो ये लिखोगे x 0 0, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a - x, डिस्टेंस का नेगेटिव, नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव ऑफ a - x 0 0। ये x1 y1 z1 है, x2 y2 z2 है। इतना क्लियर हो गया? दूसरी चीज़ ये भी दिमाग में आपको रखनी है कि एक्सिस ऑफ द रिजल्टेंट रेंच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ SD। SD माने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लाइन ऑफ SD यही है, दिस इज द लाइन ऑफ SD AB। अब ये स्क्यू लाइंस आप फील करें इसके लिए मैं आपको एक टेक्निक सुझा रहा हूं कि ये जो AC है इसको आगे झुकी हुई महसूस करें, आगे झुकी हुई, और इसको महसूस करें पीछे झुकी हुई। मैं भी समझाता हूं, नहीं तो आप फोर्सेस वगैरह रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे ठीक से। पीछे झुकी हुई वो कुछ इस तरीके से फील करिए आप, जैसे हम यहाँ बता रहे हैं। ये जो AC है इस लाइन के इधर झुकी हुई, आगे आगे झुकी, ये लाइन है ना ऐसे आगे, ये AC है, ये AC है और ये BD है। ये फीलिंग एक बार बैठा लो मन में, बस उसी के अकॉर्डिंग हम सारा काम करते चलेंगे। ये पीछे झुकी हुई, आगे झुकी हुई, ठीक। तो अब ये वर्टिकल के साथ ये जो AC लाइन है कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो इस AC के कंपोनेंट्स होंगे AC cos थीटा, AC sin थीटा, ठीक है ना। वैसे ये 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 पीछे झुकी हुई है तो ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रही है, अल्फा माइनस थीटा। तो R2 cos अल्फा माइनस थीटा इधर होगा, R2 sin इधर होगा, इधर होगा माने वाई एक्सिस के पिछवाड़े पीछे, तो वाई की तरफ लेना है तो माइनस से गुणा कर देंगे। हाँ, ये चीज दिमाग बैठा लो। वीडियो के इस छोटे से पार्ट को 2-3 बार देखो, मैंने क्या समझा दिया था अभी। ये आगे झुकी हुई है ये लाइन, फिर से देखें, ये एक्सिस है लाइन ऑफ SD, लाइन ऑफ SD समझिए। ये AC है, ये लाइन AC है, ये आगे झुकी हुई है, और ये लाइन BD है। बस यही दिमाग बैठा लो, क्योंकि अब यहाँ थ्री डायमेंशनल फिगर तो हम लोग बना नहीं सकते, कलाकार तो है नहीं। यही दिमाग में आप बैठा लो। अब हम सारे कैलकुलेशंस करेंगे। शुरुआत हम करते हैं
रिजॉल्विंग द फोर्सेज अबाउट ओ वाई एंड ओ जेड, ओ वाई और ओ जेड के अलॉन्ग फोर्सेज को रिजॉल्व किया जाए। पहले आर वन देखें, आर वन, ये आर वन है, ओ वाई के अलॉन्ग अभी बता रहे थे ना आपको, ये जो लाइन है आगे झुकी हुई है और वर्टिकल के साथ ये एंगल कितना थीटा बना रही है, तो आर वन, आर वन कॉस थीटा हो जाएगा ओ जेड की तरफ और आर वन साइन थीटा हो जाएगा ओ वाई की तरफ, तो ओ वाई की तरफ आर वन साइन थीटा और ओ जेड की तरफ आर वन कॉस थीटा। इस वाले में, इस वाले में ये लाइन पीछे झुकी हुई है ना, तो ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रही है, अल्फा माइनस थीटा, ये आर टू है, तो आर टू कॉस इधर होगा और आर टू साइन उधर होगा, उधर होगा माने ओ वाई के पीछे, तो उसको ओ वाई की तरफ करना है तो निगेटिव कर दो, यानी आर टू साइन वाला निगेटिव रहेगा, आर टू साइन वाला निगेटिव रहेगा, आर टू कॉस वाला पॉजिटिव रहेगा। और इसका आर का, आर का डायरेक्शन ही ओ जेड की तरफ है तो ओ वाई की तरफ ये कुछ नहीं देगा, जीरो, और ओ जेड की तरफ ये आर रहेगा। तो ये दो रिजल्ट आ गए, इनको स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आपको यही मिलेगा। देखो ऐसे मौखिक कर लो ना, आर वन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर वन स्क्वायर हो गया, आर टू स्क्वायर साइन स्क्वायर दिस एंगल प्लस आर टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर आर टू स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसमें आएगा माइनस टू आर वन आर टू साइन साइन प्लस टू आर वन आर टू कॉस कॉस, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बराबर कॉस ए प्लस बी, तो कॉस थीटा में अल्फा माइनस थीटा जोड़ोगे तो अल्फा बचेगा, तो वही आ गया। इसके बाद मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ओ एक्स अबाउट ओ वाई अबाउट ओ जेड, शुरू के वीडियोज़ में हो सकता, पहले ही वीडियो में, इस प्लेलिस्ट के पहले वीडियो में सब हमने फार्मूले आपको बताए थे, इनका डेरिवेशन बताया था, यहाँ पर एक बार हम फिर से लिख दिए हैं। वी नो दैट मोमेंट ऑफ द फोर्स कैपिटल एफ एरो इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, अबाउट ओ एक्स इज दिस, अबाउट ओ वाई इज दिस, अबाउट ओ जेड इज दिस, दीज आर फार्मूली। अब हम क्या करेंगे, फोर्सेस का मोमेंट्स निकालेंगे हम ओ वाई और ओ जेड के अबाउट। जब आप रिजॉल्व करिएगा तो अलोंग वर्ड लिखिएगा, रिजॉल्विंग द फोर्सेस अबाउट जो लिखा ये गलत लिखा है, जब मोमेंट लीजिएगा तब अबाउट लिखिएगा, रिजॉल्विंग द फोर्सेस अलोंग, ठीक, ध्यान रखना हमसे चूक हो गई थी, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से मिटाएंगे, ठीक, हट जा रहा हूँ मैं। वीडियो काफ़ी बड़ा है, हो सकता है 45 मिनट का वीडियो बने और इससे छोटे में आ ही नहीं सकता, ये इससे छोटे में बने गए नहीं, भारी काम है तो मैं इसको छोटा कैसे कर दूंगा। ये जो रिजल्ट्स हमको मिलते जा रहे हैं इनको मैं सोच रहा हूँ ऊपर लिखते चलूँ, मुझे कब ज़रूरत पड़ जाएगी किसकी, तो अभी हमें मिला है आर वन साइन थीटा माइनस आर टू साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, इक्वेशन नंबर वन, आर वन कॉस थीटा प्लस आर टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू आर, नंबर टू। और एक रिजल्ट हमें मिला जिसमें हमने नंबरिंग नहीं डाला हुआ है, हाईलाइटर लगा दिया है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस टू आर वन आर टू कॉस अल्फा, टू आर वन आर टू कॉस अल्फा, इस पर हाईलाइटर लगा दिया, हमने नंबर नहीं डाला है। तो यहाँ पर आप लिख दें विच गिप्स, विच गिप्स आर, आपको क्या क्या निकालना है, आपको आर निकालना है, के निकालना है, और ये पॉइंट का जो है लोकेशन पता कर लीजिए कि कहाँ पे ये लोकेटेड है, रिजल्टेंट रेंज कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये तो ओरिजिन पे ही है, ये एक्स आपने माना है ना, एक्स तो माना है इधर ए माइनस एक्स, यहाँ से यहाँ तक ए है, तो ये एक्स निकाल लेंगे तो लोकेशन हो गया। नाउ लेट अस प्रोसीड, टेकिंग मोमेंट ऑफ द फोर्सेज अबाउट ओ वाई एंड ओ जेड, तो क्रम से लिखते हैं। नाउ मोमेंट्स ऑफ आर वन अबाउट
ओ वाई एंड ओ जेड आर ओ वाई के अबाउट होगा जेड वन कैपिटल एक्स वन माइनस एक्स वन कैपिटल जेड वन एंड मोमेंट ऑफ आर वन अबाउट ओ जेड ये होगा एक्स वन वाई वन माइनस वाई वन एक्स वन दैट इज देखो y1 वन क्वारिनेट जीरो है z1 वन क्वारिनेट जीरो है y2 टू क्वारिनेट जीरो है z2 टू क्वारिनेट जीरो है तो ये जीरो हो गया ये आ गया माइनस x1 वन कैपिटल z1 एंड इसमें x1 y1 y1 जीरो है ना देखो वो लिख दिया हमने तो ये बचेगा सिर्फ x1 वन इंटू कैपिटल y1 वन दैट इज माइनस x1 वन इंटू कैपिटल z1 का मतलब क्या हुआ इसका मतलब हो गया कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट फोर्स आर वन एलोंग ओ जेड एंड एक्स वन इंटू वाई वन माने कंपोनेंट ऑफ आर वन एलोंग ओ वाई दैट इज माइनस एक्स वन इंटू अब आर वन का कंपोनेंट ओ जेड के एलोंग कितना होगा R1 का कंपोनेंट OZ के अलॉन्ग ये है R1 ये आगे झुकी हुई है तो R1 cos थीटा हो जाएगा और X1 को X लिख दिया जाए X R1 cos थीटा एंड X R1 का कंपोनेंट OY के अलॉन्ग आगे झुकी हुई ऐसे ऐसे R1 sin थीटा X R1 sin थीटा ये कंपोनेंट्स हमने निकाला आर वन का अबाउट ओ वाई एंड अबाउट ओ जेड ऐसे ही चलो निकाल लें हम लोग आर टू के दो कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स ऑफ सॉरी मोमेंट्स ऑफ आर टू अबाउट ओ वाई एंड ओ जेड आर अब ध्यान रखिएगा ये जो आर टू है पीछे झुकी हुई है तो इसका कोसाइन कंपोनेंट इधर आएगा और साइन कंपोनेंट उधर जाएगा माने ओ वाई के निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा तो ओ वाई ओ जेड वही है बस केवल वन वन की जगह टू टू करते चलिए Z1 सॉरी Z2 कैपिटल X2 माइनस X2 कैपिटल Z2 एंड X2 कैपिटल Y2 माइनस Y2 कैपिटल X2 दैट इज Z2 जीरो है तो जाएगा माइनस X2 कैपिटल Z2 एंड इसमें Y2 जीरो है ये लिखा है X2 कैपिटल Y2 यहाँ पे अगर चाहें तो लिख दें सिंस स्मॉल जेड वन इक्वल टू जीरो स्मॉल वाई वन इक्वल टू जीरो ऐसे ही यहाँ पे लिख दें सिंस स्मॉल जेड टू इक्वल टू जीरो स्मॉल वाई टू इक्वल टू जीरो दैट इज माइनस एक्स टू एक्स टू है ए माइनस एक्स का निगेटिव और उसका भी माइनस करेंगे तो ए माइनस एक्स हो जाएगा तो ए माइनस एक्स और जेड टू को हम क्या लिख दें कंपोनेंट ऑफ आर टू along OZ and X2 X2 माने माइनस a माइनस x ये लिखा है और कैपिटल Y2 का मतलब क्या हुआ कंपोनेंट ऑफ R2 along OY ये तो कुछ चीज़ों को इधर नोट करना चाहेंगे हम कंपोनेंट्स आर वन के कंपोनेंट्स माइनस एक्स आर वन कॉस थीटा माइनस एक्स आर वन कॉस थीटा और एक्स आर वन साइन थीटा एक्स आर वन साइन थीटा ये आर वन का है इसी प्रकार से आर टू का निकाल रहे हैं हम लोग
ये मोमेंट्स है यार, कंपोनेंट्स नहीं, सॉरी मोमेंट्स। बहुत ध्यान से बोलिए, ध्यान से लिखिए। ऐसा इसी को हम आगे बढ़ा रहे काम को, उधर नहीं जाना चाह रहे। दैट इज ए माइनस एक्स इंटू आर टू का कंपोनेंट ओ जेड के अलावा, वो पीछे झुका हुआ है तो आर टू कॉस ओ जेड की तरफ आ जाएगा, आर टू कॉस ना, तो ये हो गया आर टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा एंड माइनस ए माइनस एक्स इंटू ओ वाई के अलॉन्ग, तो आर टू साइन उल्टा जाएगा तो निगेटिव करके माइनस आर टू साइन अल्फा माइनस थीटा, दैट इज ए माइनस एक्स आर टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा एंड ये माइनस ये माइनस मल्टीप्लिकेशन में प्लस हो जाएगा, ए माइनस एक्स आर टू साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा, ये दो रिजल्ट हम और निकाल लिए। यानी मोमेंट ऑफ आर वन मोमेंट ऑफ आर टू अबाउट ओ वाई अबाउट ओ जेड हमने निकाल लिया। रिजॉल्विंग सॉरी टेकिंग मोमेंट्स ऑफ द फोर्सेस अबाउट ओ वाई एंड अबाउट ओ जेड, अब सभी फोर्सेस की बात कर रहे हैं। आर वन का मोमेंट हमने निकाल लिया, आर टू का मोमेंट हमने निकाल लिया ओ वाई ओ जेड के अलॉन्ग, लेकिन के वन और के टू मोमेंट भी हमारे पास हैं, तो इनका कंट्रीब्यूशन ओ वाई और ओ जेड के अलॉन्ग क्या होगा ये भी हमें निकालना पड़ेगा। तो उसी की अब चर्चा हम करने जा रहे हैं। टेकिंग मोमेंट्स, टेकिंग मोमेंट्स ऑफ फोर्सेस अबाउट ओ वाई एंड ओ जेड वी हैव, चलिए पहले ओ वाई की तरफ, ओ वाई के अलोंग के वन का कितना होगा, के वन आगे झुका हुआ है तो के वन कॉस ऐसे के वन साइन, यानी के वन साइन, ये हो गया के वन साइन थीटा। हाँ, ये कंट्रीब्यूशन ऑफ के वन इन द डायरेक्शन ऑफ ओ वाई, के वन साइन थीटा। इसी प्रकार से के टू पीछे झुका हुआ है तो उसका कोसाइन इधर आता है, साइन उल्टा जाता तो निगेटिव से गुणा कर देंगे, यानी माइनस के टू साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा और वो निकला है ओ वाई के अलॉन्ग माइनस एक्स आर वन कॉस थीटा और ओ वाई के अलॉन्ग ए है प्लस ए माइनस एक्स आर टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा। ठीक है भाई, और इसका जो रिजल्टेंट है ओ वाई के अलॉन्ग इसका कंट्रीब्यूशन कुछ होएगा नहीं, कॉस 90 डिग्री हो जाएगा ना जीरो, तो जो भी होगा इसी दिशा में तो ओ वाई की दिशा में इसका कंपोनेंट होगा नहीं और ओ वाई की दिशा में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका भी नहीं होगा, तो इक्वल्स टू जीरो। इसको लिखिए नंबर तीन। एंड ओ जेड के डायरेक्शन में के वन कॉस थीटा ऐसे निकाल लीजिए प्लस के टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा प्लस एक्स आर वन साइन थीटा और इधर है प्लस ए माइनस एक्स आर टू साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा और ओजेड के डायरेक्शन में के रहेगा और इस ये तो फोर्स है तो कंट्रीब्यूशन तो केवल इसी का रहेगा ना, इज इक्वल टू के। नंबर चार, वन और टू ऊपर हमने लिख दिया है, थ्री और फोर आपके पास आ गए, अब हम के की वैल्यू निकालने जा रहे हैं और इस थ्री और फोर को भी ऊपर हम लिखना चाहेंगे अलग से। के वन साइन थीटा माइनस के टू साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा माइनस एक्स आर वन कॉस थीटा प्लस ए माइनस एक्स आर टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा इक्वल्स टू जीरो नंबर थ्री।
के वन कॉस थीटा प्लस के टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा प्लस एक्स आर वन साइन थीटा प्लस ए माइनस एक्स आर वन अभी आर टू एक्स आर टू होगा। ये गलत हो गया ना, सही है, सही तो यदि एक्स आर वन इसमें आर टू रहेगा, ए माइनस एक्स आर टू साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू के नंबर चार। आर और के निकालना है, हम आर निकाल चुके पहले ही, वो लिखा हुआ है काले रंग से। अब हम के निकालने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस फिगर की खास जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर पड़ेगी तो इसको दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि हमको स्पेस चाहिए। फिगर की मदद से हमने सब डेटा जुटा लिया है, केवल एनालिसिस करना है। टू फाइंड के, फ्रॉम वन आर वन साइन थीटा इज इक्वल टू आर टू ब्रैकेट में साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा साइन थीटा। ओके, इम्प्लाइज दैट एक तरफ साइन थीटा के टर्म कर लें, एक तरफ कॉस थीटा के टर्म कर लें। साइन थीटा का एक तो ये कोफिशियंट आर वन है, और एक उधर जाकर हो जाएगा आर टू कॉस अल्फा प्लस आर टू कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू आर टू साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। इम्प्लाइज दैट साइन थीटा अपॉन आर टू साइन अल्फा implies that sin theta upon r2 sin alpha is equal to cos theta upon r1 plus r2 cos alpha। और ये दोनों बराबर होंगे जब दो fractions आपके पास हो, तो उससे आप तीसरा fraction बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। equal fraction है ये, अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे अंडर रूट आर टू साइन अल्फा होल स्क्वायर प्लस आर वन प्लस आर टू कॉस अल्फा होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट। इसको आप सिंप्लीफाई करिएगा तो ये आर स्क्वायर आएगा, यही आएगा, तो कुल मिला के ये हो गया इज इक्वल टू वन अपॉन आर। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आपको इस तरीके से मिलने जा रही है। इम्प्लाइज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू आर टू साइन अल्फा अपॉन आर एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू कॉस अल्फा अपॉन आर। इस पर हाइलाइटर लगा दें। इन वैल्यूज को नंबर फोर में रखिए, के की वैल्यू निकालें तो के एसी में है, पुटिंग दीज वैल्यूज इन फोर, या ऐसे लिखे वी पुट दीज वैल्यूज इन फोर एज, इधर स्पेस क्रिएट कर ले रहा है, ये इसी में लिख दे रहा है, ठीक है ना। तो फोर लिखिए पहले, के इज इक्वल टू के वन कॉस थीटा प्लस के टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा प्लस एक्स आर वन साइन थीटा प्लस ए माइनस एक्स आर टू साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू के वन कॉस थीटा
प्लस के टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा और प्लस एक्स का टर्म, देखो दो दिख रहा है आपको, उसको आप अलग कर लीजिए, एक्स इंटू आर वन साइन थीटा और इसमें से देखो ए आर टू साइन और एक्स आर टू साइन, तो एक्स वाला ले लो माइनस आर टू साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा, ये एक्स वाला टर्म हो गया। अब क्या बचा, ए आर टू वाला बचा प्लस ए आर टू साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा। अब ये देखो कहीं होगा इक्वेशन नंबर वन में शायद होगा, है ना, आर वन साइन थीटा माइनस आर टू साइन, उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो के इज इक्वल टू के वन कॉस थीटा प्लस के टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा प्लस ए आर टू साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा, यहाँ जरूर लिख दें आप बाई वन, नहीं तो समझ नहीं आएगा कैसे जीरो हो गया। इम्प्लाइज दैट के इज इक्वल टू के वन कॉस थीटा प्लस के वन कॉस थीटा, इससे कॉस ए माइनस बी से एक्सपेंड करिए, कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा साइन थीटा प्लस ए आर टू इंटू, इसे भी एक्सपेंड करिए, साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा साइन थीटा। अब दो गट्ठर बनाइए कॉस थीटा का साइन थीटा का, तो पहले कॉस थीटा देख लो, एक ये है एक कॉस थीटा ये है एक कॉस थीटा ये है, यानी कि के वन प्लस के टू कॉस अल्फा, ठीक, और प्लस ए आर टू साइन अल्फा, दिस होल मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, देख लो भाई के टू साइन अल्फा और कहाँ है यहाँ पे माइनस ए आर टू कॉस अल्फा, दिस होल मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। अब जा करके ये साइन थीटा कॉस थीटा इसमें रख दोगे वैल्यू आ जाएगी। चलो रखा जाए, ध्यान रहे ये दोबारा में उतारिएगा, ये सब ऐसे लिखा है मैंने। इम्प्लाइज दैट के इज इक्वल टू के वन प्लस के टू कॉस अल्फा प्लस ए आर टू साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा माने आर वन प्लस आर टू कॉस अल्फा अपॉन आर प्लस के टू साइन अल्फा माइनस ए आर टू कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा, साइन थीटा माने आर टू साइन अल्फा अपॉन आर, आर से मल्टीप्लाई कर दो, इम्प्लाइज दैट के आर, और ये आर अब अननोन नहीं रहा, आर की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, तो के आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू कॉस अल्फा, दिस होल मल्टीप्लाइड बाई के वन प्लस के टू कॉस अल्फा प्लस ए आर टू साइन अल्फा प्लस आर टू साइन अल्फा इंटू के टू साइन अल्फा माइनस ए आर टू कॉस अल्फा। अब इससे भैया सिंप्लीफाई कर लीजिए, के की वैल्यू आ गई, इसके बाद फिर एक्स की वैल्यू निकालेंगे, इसी में से किसी की मदद लेंगे जिसमें एक्स होगा। इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर आर वन के वन प्लस आर वन के टू कॉस अल्फा प्लस ए आर वन आर टू साइन अल्फा प्लस के वन आर टू कॉस अल्फा प्लस आर टू के टू कॉस स्क्वायर अल्फा, आर टू के टू कॉस स्क्वायर अल्फा
प्लस ए आर टू स्क्वायर, ए आर टू स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये आ गया पहले वाले का। अब दूसरे वाले में कलर ही चेंज कर दे रहे, प्लस के टू आर टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस आर टू के टू साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना, माइनस ए आर टू स्क्वायर, माइनस ए आर टू स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों मिलकर के आर टू के टू हो जाएगा। और फाइनल स्टेप हम लिख रहे हैं के के लिए, इम्प्लाइज दैट के आर इज इक्वल टू आर वन के वन, और ये दोनों मिलकर के हो जाएगा आर टू के टू हो जाएगा ना, प्लस आर टू के टू प्लस ये टर्म, ये टर्म आर वन के टू प्लस आर टू के वन, दिस होल मल्टीप्लाइड बाई कॉस अल्फा प्लस ए आर वन आर टू साइन अल्फा। इसे हाइलाइटर लगा दें और लिख दें विच गिव्स के, ये टू फाइंड एक्स, टू फाइंड द पोजिशन ऑफ रेंचेस, पहला रेंच दूसरा रेंच कहाँ पर स्थित है, पहला रेंच पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आपने लिया था एक्स जीरो जीरो, दूसरे में इधर है माइनस ए माइनस एक्स जीरो जीरो। तो आइए उसके लिए थोड़ी सी मेहनत और 10 मिनट की, काफ़ी हेवी आर्टिकल होता है, कितना भी प्रैक्टिस किए रहिए एग्ज़ाम में इसको करने में तो खतरा ही है। एग्जामिनेशन में बेटा इस तरीके के जो हैवी डेरिवेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं उन्हें लास्ट में छूना चाहिए, वो भी तब जब कोई और विकल्प ना हो। ये पढ़ने के लिए ठीक है लेकिन एग्जामिनेशन के लिए खतरनाक है, कहीं एक एरर अगर हो गया तो इतना बड़ा कैलकुलेशन ढह जाएगा। ओके मिटाते हैं। टू फाइंड एक्स, From 3, from 3, ये 3 देखो, 0 equal to, यहाँ से शुरू करें, 0 equal to K1 sin theta minus K2 sin of alpha minus theta minus X R1 cos theta plus A minus X R2 cos of alpha minus theta इक्वल्स टू के वन साइन थीटा माइनस के टू साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा माइनस एक्स आर वन कॉस थीटा प्लस ए आर टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा माइनस एक्स आर टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा। एक्स को हमने बाइफरकेट कर लिया दोनों जगह, इक्वल्स टू के वन साइन थीटा माइनस के टू साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा और माइनस एक्स कॉमन ले लिए, बच गया आर वन कॉस थीटा प्लस आर टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा प्लस ए आर टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा। के निकालते समय भी ऐसे एक्स का एक पैकेट बना था, उसमें नंबर वन घुस गया था और अब की बार हमको लगता है नंबर टू घुसेगा। देखो यस इक्वल्स टू के वन साइन थीटा माइनस के टू साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा माइनस एक्स आर प्लस ए आर टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा, जरूर लिख दीजिए बाई आर बाई इक्वेशन टू। अब एक्स आर एक तरफ कर लो, इम्प्लाइज दैट एक्स आर इज इक्वल टू के वन साइन थीटा
माइनस के टू इंटू, इसे एक्सपेंड कर लो, साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा साइन थीटा प्लस ए आर टू, इसे भी एक्सपेंड कर लो, कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा के पैकेट्स बना लें, इक्वल्स टू, चलो पहले कॉस थीटा का ही बना लेते हैं, साइन थीटा का ही बना लो, ऐसा क्या है। तो हो गया के वन और ये माइनस इंटू माइनस प्लस के टू कॉस अल्फा, के टू कॉस अल्फा और कहीं साइन थीटा, हाँ भाई ये क्या भी है, प्लस ए आर टू साइन अल्फा, दिस होल मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा वाला देख लें, माइनस के टू साइन अल्फा, माइनस के टू साइन अल्फा और प्लस ए आर टू कॉस अल्फा, दिस होल मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू के वन प्लस के टू कॉस अल्फा प्लस ए आर टू साइन अल्फा इंटू साइन थीटा की वैल्यू हमें देखना पड़ेगा अपने नोट्स से, यहाँ मिटा दिया है हमने, आर टू साइन अल्फा अपान आर, आर टू साइन अल्फा अपान आर प्लस ए आर टू कॉस अल्फा माइनस के टू साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा, आर वन प्लस आर टू कॉस अल्फा अपान आर, ये रहा, आर से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन की डिमांड हो रही है, बस 37-38 मिनट हो गया, 40-42 मिनट में आए, मैंने कहा था 45 मिनट लगेगा, जबकि बोर्ड पर शुरू में हम काफ़ी कुछ लिख दिए थे, उसके कारण निश्चित रूप से 7-8 मिनट मेरा बच गया। इम्प्लाइज दैट एक्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर टू साइन अल्फा इंटू के वन प्लस के टू कॉस अल्फा प्लस ए आर टू साइन अल्फा प्लस आर वन प्लस आर टू कॉस अल्फा इंटू ए आर टू कॉस अल्फा माइनस के टू साइन अल्फा, ये रहा, ओ ये के टू के टू के टू के टू साइन अल्फा, अब ठीक है ना, बस जी एक दो स्टेप और बढ़ना है, इक्वल्स टू आर टू के वन साइन अल्फा प्लस आर टू के टू साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस ए आर टू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए आर वन आर टू कॉस अल्फा माइनस आर वन के टू साइन अल्फा प्लस ए आर टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस आर टू के टू साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये दोनों तो मिल जाएंगे, मिक्सिंग हो जाएगा इनका, और कोई कटना वटना भैया, आर टू के टू साइन अल्फा कॉस अल्फा ये पेयर कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और बस, अब कोई कटता हुआ दिख रहा है क्या, ना। तो फाइनल स्टेप हम लिख रहे हैं, इम्प्लाइज दैट एक्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर टू स्क्वायर, ये वाला प्लस ब्रैकेट में के वन आर टू माइनस के टू आर वन मल्टीप्लाइड बाई साइन अल्फा, ये है देखो आर टू के वन साइन अल्फा, ये वाला हो गया माइनस के टू आर वन साइन अल्फा भी कहीं होगा, ये वाला है, यानी साइन अल्फा एक साथ कर दिए और अब कॉस अल्फा बेचारा अकेले बच गया, प्लस ए आर वन आर टू, ए आर वन आर टू कॉस अल्फा, ये इसमें आर अननोन नहीं है, आर की वैल्यू आप निकाल चुके हो, इससे एक्स निकल आएगा विच गिव्स एक्स,
विच गिव्स एक्स। थैंक यू। वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर करिए। रिजल्टेंट रेंज पर बातचीत चलेगी अभी।